गाइस अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से दिक्कत है तो ये देख के भी आपको दिक्कत हो सकती है। मतलब 150 रुपए में ये तो हार्ट अटैक का इन्विटेशन है। अभी हमें आगरा में सदर बाजार में क्वालिटी पराठा पर, और भैया मैंने सुना है यहाँ पे पूरी अमूल बटर की टिक्की वाला पराठा मिलता है। 100 ग्राम वाली पूरी टिक्की। नाम क्या पराठा है इसका? वोल्केनो पराठा। वोल्केनो पराठा लगाइए जरा। वोल्केनो पराठा तो नॉर्मल से बड़े साइज का होता है? ये बड़ा होता है। अच्छा बड़ा होता है, आपने तभी दो पेड़े मिला लिए इसमें। भैया प्राइस कितना रहता है इसका? 150 रुपए प्राइस। 150 रुपए? हाँ जी। भैया फिलिंग भी इसकी डिफरेंट रहती है, नॉर्मल रहती है? इसका फिलिंग ज्यादा होता है। ज्यादा होता है? तो पहले पनीर घिसा जा रहा है? पनीर है, आलू है, शिमला मिर्च है, गाजर है, प्याज। अच्छा मिक्स बनेगा? मतलब मिक्स भी बनता है पूरा ये। तो सबसे पहले पनीर घिस लिया है भाई ने, ढेर सारा पनीर ले लिया। ये एक पराठा का ही आ रहा भैया? बिल्कुल। तो काफी पनीर लोडेड है। अब ये क्या भैया? ये मिक्स वेज आइटम है, गाजर शिमला प्याज। ये भी फ्राई की हुई है? इसके ऊपर आ गया धनिया, और धनिया के ऊपर आलू की पिट्ठी। अब इसमें गरम मसाला डाला गया है और हल्का सा नमक। तो स्टफिंग में भी सारी चीजें आ गई हैं। आलू भी है, पनीर भी है, मिक्स वेज भी है, और जो मिक्स वेज है वो भी पहले से ही फ्राई की हुई है। 150 रुपए सुन के आदमी को लगता है कितना महंगा पराठा हो गया, तो स्टफिंग ही देख लो आप कितनी सारी हो गई है। और अभी तो पूरी अमूल बटर की टिक्की आएगी। ये वाली आएगी भैया, उठा कर दिखाना एक बार जरा, इतनी बड़ी पूरी टिक्की आएगी। बिल्कुल, क्या बात। अब स्टफिंग हो गई अपनी तैयार, अब ये जाएगी पराठे के अंदर। देखिए जरा कितनी स्टफिंग आ रही है पराठे में। तो गाइस 35 साल पुरानी पराठे की शॉप है ये। हमारे पिताजी, फिर उनके दादाजी वगैरह ये करते थे। अच्छा आपके दादाजी ने शुरू की थी? हाँ जी। अच्छा फिर आपके पिताजी ने की, फिर अब आप लोग हैं। साइज देख सकते हैं गाइस कितना बड़ा है। अभी ये गया तवे पर। सो शुरू में बटर नहीं डाला जाता है कि पहले हल्का सिक जाए जिससे कि फटे ना, तो आधा इसे पहले ही सेक लिया गया है। और अब इसके ऊपर आएगा बटर। इतने बटर में आप 5 पराठे बहुत प्यार से सेक लेंगे। ये भैया अकेले में जाएगा इसमें? अकेले में जाएगा। आप देखिए गाइस ये एक पराठे के ऊपर पूरी बटर की टिक्की आ गई है। तो भैया ये इतना बटर डाल के पराठा पहले से बना रहे हो आप दुकान पे? नॉर्मल चलता है, फिर ये चलता है। नहीं नहीं, सबसे शुरुआत कैसे हुई इसकी यहाँ पे? ब्लॉगर ने बनवाया था। ये ब्लॉगर्स ने बनवाया था? तो गाइस ब्लॉगर्स की इन्वेंशन है ये जो पराठा है, इतना सारा बटर डालकर। मतलब एक पराठा उसके ऊपर ढेर सारा बटर, और इतना सारा बटर डालने के बाद आप देखिए ये चारों तरफ से बटर बाहर निकल रहा है, जैसे वोल्केनो में से लावा बाहर निकलता है। तो इसलिए इसे नाम दिया वोल्केनो पराठा। दिखने में वोल्केनो है, और देखिए पूरा फूल कर आ रहा है। और क्योंकि बटर इतना ज्यादा डला हुआ है तो डलते ही सिख रहा है। मतलब कलर देखिए आप कितना बेहतरीन कलर आ रहा है। लेकिन जैसा वोल्केनो ये यहाँ पे तवे पे नजर आ रहा है, आपके दिल में भी ऐसा ही वोल्केनो बनाएगा क्योंकि बटर इतना ज्यादा है। तो भैया ये तो ब्लॉगर्स का बनवाया हुआ पराठा हुआ। सब वैसे कौन सा पराठा मशहूर है अपना यहाँ पे? आलू का, पनीर का, मिक्स वेज। आलू पनीर मिक्स वेज। एक हमारे लिए आप नॉर्मल पराठा भी लगवाइए। पराठे को सीखते हुए कोई 5 मिनट हो चुकी है। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्प होने वाला है क्योंकि इतना सारा बटर पी लिया इसने। ये भैया नॉर्मल वाला आ रहा है, ये 150 का है और ये 55 का। तो भैया 150 रुपए में केवल पराठा आता है, कुछ सब्जी वब्जी मिलती है साथ में? ये चटनी है, चार वगैरह। तो थाली लगवाते हैं पूरी। बिल्कुल क्रिस्पीनेस आप सुन सकते हैं जब ये कटा होगा। ये देखिए आप क्रिस्पीनेस, बिल्कुल ही खस्ता हो चुका है पराठा। तो ये लग रही है अपनी थाली पराठे की। सबसे पहले इसमें आलू की सब्जी आ रही है, आलू के बाद इसमें डाली जा रही है कढ़ी, साथ में अचार भी है और हरी चटनी भी है। तो पूरी की पूरी थाली तैयार हो गई है। और भैया नॉर्मल वाला भी दे दो इसमें इतना। दोनों पराठे अपने आ चुके हैं। ये है बटर वोल्केनो पराठा जो कि ब्लॉगर्स ने इन्वेंट किया। ये है यहाँ का फेमस मिक्स वेज पनीर पराठा। दोनों का टेस्ट करेंगे उसके बाद जज करेंगे। पहले ये बटर वाला लेते हैं। इसमें इतना बटर डाला है, पूरी की पूरी अमूल बटर की टिक्की। मतलब 150 रुपए में ये तो हार्ट अटैक का इन्विटेशन है। बहुत बेहतरीन तरीके से डीप फ्राइड हो रखा है और बिल्कुल बटर निचड़ रहा है। आप देख सकते हैं टपकते हुए बटर को। स्वाद देखेंगे पहले, स्वाद कैसा है। बटर ढेर सारा डाला हुआ है, टेस्ट नॉर्मली आ रहा है। इसका भी टेस्ट देखेंगे इसका कैसा है। ये 150 रुपए का है जो आप खा रहे हैं, ये 55 रुपए का है। ये वाला पराठा बनने के बाद जो बटर बचा है उसके 1/4 से बना है। इससे ज्यादा टेस्टी है, इससे ज्यादा क्रंची है, और इससे 1/3 प्राइस में है। तो मुझे नहीं पता ब्लॉगर्स ने क्यों इन्वेंट कराया। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, पराठा विदाउट एनी डाउट बहुत स्वाद है। आके यहाँ पे नॉर्मल पराठा खाइए, ये पराठा आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। टेस्टी है बहुत ज़्यादा, पूरी पूरी मील है, 55 रुपए में पेट भर जाएगा आपका। और अगर आपको दुनिया से न्यारी चीज़ें ट्राई करनी है, ब्लॉगर्स की व्यूज़ के लिए इन्वेंट की हुई चीज़ें, तो आप ये वाला पराठा लीजिए, ढेर सारे बटर वाला। 3-4 साल बाद फन कीजिए हॉस्पिटल में। मैं अपना ये वाला खाऊंगा, पूरा खाऊंगा, इसकी एक भी बाइट नहीं लूंगा। और जिस ब्लॉगर ने इन्वेंट किया उसके लिए 4 शब्द आप ही लिख देना कमेंट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड, अपने आप इन्वेंट करके नहीं, जो असलियत में मिल रहा है वो। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।